बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है प्रेशर फ्लो थ्योरी, चैप्टर नंबर 14 पार्ट 1। चैप्टर नंबर 14 है, पार्ट 1 बायोलॉजी। टॉपिक है प्रेशर फ्लो थ्योरी। प्रेशर फ्लो थ्योरी अर्नेस्ट मुंच, जो कि एक जर्मन बायोलॉजिस्ट था, उसने 1930 में ये थ्योरी एक्सप्लेन की। ये थ्योरी हमें बताती है कि फ्लोएम में फूड की ट्रांसलोकेशन कैसे होती है। ठीक है, तो इस थ्योरी में हम ये पढ़ेंगे कि जो फ्लोएम है, फ्लोएम में फूड किस तरह से मूव करती है। जो बेसिकली फूड की मूवमेंट है, ठीक है, वो मूवमेंट हमेशा सोर्स से सिंक की तरफ होती है। फूड की मूवमेंट हमेशा सोर्स से सिंक की जानिब होती है। ठीक है, इसे हम पैटर्न ऑफ ट्रांसपोर्ट भी कह सकते हैं। सोर्स वो एरिया होता है जहां पे फूड प्रिपेयर होती है, यानी आप इस सोर्स को लीफ समझ सकते हैं कि ये लीफ जहां पे फोटोसेंसिस से फूड प्रिपेयर हो रही है। इस लीफ में फूड प्रिपेयर होगी ग्लूकोज की फॉर्म में। ये ग्लूकोज मीन शुगर, फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट हो जाएगी सुक्रोज में। सुक्रोज एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। ये सुक्रोज फिर वहां से बंडल शीट सेल से होती हुई यहां पे कंपेनियन सेल्स होंगे। कंपेनियन सेल्स, ये सुक्रोज कंपेनियन सेल्स में आएगी। अब ये कंपेनियन सेल और ये सीव ट्यूब सेल्स है, इन्हें सीव एलिमेंट्स भी कहते हैं। सीव एलिमेंट और कंपेनियन सेल, ये सीव एलिमेंट और ये कंपेनियन सेल, दे कम्युनिकेट विद ईच अदर थ्रू अ साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड। दैट साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड इज कॉल्ड प्लाज्मोडेस्माटा। ये कंपेनियन सेल और ये सीव ट्यूब सेल्स प्लाज्मोडेस्माटा के जरिए आपस में कनेक्टेड होते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा के जरिए आपस में जुड़े होते हैं। तो अब यही जो फूड है, मीन सुक्रोज, इस प्लाज्मोडेस्माटा के जरिए सीव ट्यूब सेल्स में आएगी, जो कि एक एक्टिव प्रोसेस होगा। अब यहां पे जब इस सीव ट्यूब सेल्स में सुक्रोज आ जाएगी, तो इसके बिल्कुल साथ जो जाइलम टिश्यूज है, इन जाइलम टिश्यूज में वाटर मौजूद है। ये वाटर जाइलम टिश्यूज में जो वाटर मौजूद है, ये पैसिवली मीन बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस यहां पे सीव एलिमेंट्स में एंटर होगा। तो इस वाटर की एंट्री से, सुक्रोज की एंट्री से, यहां पे एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप होगा। ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इस फूड को सीव एलिमेंट से गुजारते हुए सोर्स से सिंक की तरफ पहुंचा देगा। सिंक वो एरिया होता है जहां पे फूड ने यूटिलाइज होना है, यूज होना है, या आप ये भी कह सकते हैं कि सिंक वो एरिया है जहां पे एक्टिवली मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस हो रहा होता है। ठीक है, तो अब ये फूड नीचे की जानिब मूव करेगी। ये जो 1, 2, 3 यानी इस तरह से जो सीव एलिमेंट्स है, ठीक है, इन सीव एलिमेंट्स पे इनकी ये जो एंड वॉल है, इनकी इस एंड वॉल पे मौजूद होती हैं सीव प्लेट्स। दीज सीव प्लेट मेंटेन द प्रेशर ग्रेडियंट, ये प्रेशर ग्रेडियंट को मेंटेन रखते हैं। ठीक है, और फिर यही प्रेशर ग्रेडियंट फूड को इस सोर्स से सिंक की जानिब भेजेगा। प्रेशर ग्रेडियंट मीन डिफरेंस इन प्रेशर, प्रेशर का डिफरेंस, यानी ऊपर प्रेशर ज्यादा है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज्यादा है, नीचे प्रेशर कम है, तो फिर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ये मूव करेगी और आखिरकार सिंक की तरफ आ जाएगी। सिंक अभी बताया एक्टिवली मेटाबॉलिक एरिया होता है, जैसे कि ये फ्रूट है। ठीक है, तो ये थ्योरी अर्नेस्ट मुंच साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन की। इसने कहा कि जो फूड है वो सोर्स से सिंक की जानिब मूव करती है थ्रू द ऑस्मोटिकली जनरेटेड प्रेशर ग्रेडियंट। दिस थ्योरी इज कॉल्ड प्रेशर फ्लो थ्योरी।